बैक टू माई चैनल गाइज, मैं हूं नेहा और आज मैं आपके साथ रिव्यू करूंगी द वेटिवर वॉटर कामा आयुर्वेदा वेटिवर वॉटर. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो वेटिवर वॉटर जो होता है वो वेटिवर यानी कि खसखस की घास की जो जड़ होती है उसको जड़ों को स्टीम डिस्टिल करके ये वेटिवर वॉटर बनाया जाता है. और जो स्टीम डिस्टिलेशन जो होता है, स्टीम डिस्टिलेशन काफी प्योर और हाइजीनिक प्रोसेस होता है जिससे ये वेटिवर वॉटर बनाया जाता है. तो यू कैन ट्रस्ट इट, लाइक यू नो ये स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाए तो ये काफी प्योर भी होगा और काफी हाइजीनिक भी होगा और आपकी स्किन पे कोई नुकसान भी नहीं करेगा. इसमें कोई भी एडेड एसेंस नहीं है, कोई भी एडेड इसमें केमिकल्स नहीं है. तो अब हम बात कर लेते हैं कामा के प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कामा आयुर्वेदा वेटिवर वॉटर के पैकेजिंग की हम बात कर लेते हैं. तो ये इस तरह के बॉटल में आता है, ये आपका ये इस तरीके का ये प्रोडक्ट होगा. इस पे सामने पूरा लिखा होगा कामा आयुर्वेदा वेटिवर वॉटर फेस एंड अ बॉडी मिस्ट विच इज 200 ml. और ये मुझे समथिंग 1050 में मिला था. एग्जैक्टली मुझे अभी इसका प्राइस याद नहीं है, बट मुझे मिला तो मैं आपको स्क्रीन पे जरूर मेंशन करूंगी कि इसका क्या प्राइस है. ये जो है ये मेड इन इंडिया ब्रांड है और इसके पीछे दिया हुआ है कामा आयुर्वेदा प्योर वेटिवर वाटर का पूरा एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या काम करता है. इसके अलावा इसके इंग्रीडियंट दिए हुए हैं और इसमें कंप्लीटली लिखा हुआ है इट इज फ्री फ्रॉम कलरेंट्स प्रिजर्वेटिव्स एंड पेट्रोकेमिकल्स. ओके, इसमें वार्निंग्स लिखे हुए हैं और इसका जो प्राइस है एग्जैक्टली है 1050. तो ये काफी कॉस्टली होता है. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम में 50 ml ऑफ बॉटल ही ऑर्डर कीजिए. उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो सेकेंड बॉटल बड़ा वाला आप लोग ऑर्डर कीजिए क्योंकि ये बहुत कॉस्टली आता है. इसमें ये ऊपर से इसका ये ढक्कन यानी कि इसका ये कैप दिया हुआ है और इसमें ये पंप इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ है. यू कैन जस्ट यूज इट लाइक दैट. और ये बहुत ही अच्छा होता है गाइस, जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं उनके लिए तो ये वरदान टाइप का है क्योंकि ये मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है और ये मेरी स्किन पे बहुत फायदा किया है. इट इज अ प्योर फेस एंड अ बॉडी मिस्ट और ये आपके फेस पे एक कूलिंग इफेक्ट लेके आता है. हॉट वेदर में जो ड्राई स्किन के लोग होते हैं उनको ये काफी हद तक रिलीफ और रिलैक्स कराता है उनकी स्किन को, बिकॉज ड्राई स्किन वालों की हॉट वेदर में स्किन बहुत खराब हो जाती है. इसके अलावा ये आपके पीएच, इट इज अ यू कैन से इट इज अ नेचुरल एस्ट्रिंजेंट और ये आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. इट इज वेरी अर्दी बाय नेचर एंड ऑल्सो इट हाइड्रेट योर स्किन, इट रियली हाइड्रेट योर स्किन. इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट बाय कामा आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू मी एज आई यूज्ड इट. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कामा आयुर्वेदा की एक क्रीम का रिव्यू दिया था. मेरी स्किन कितनी खराब हो गई थी मैंने उस वीडियो में, मैंने अपना फोटो भी डाला है और नया और पुराना दोनों फोटो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं. तो मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि मेरी स्किन जो है एक नाइट रूटीन फॉलो करने से और राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज करने से मेरी स्किन एकदम ठीक हो गई है. वेटिवर वॉटर ऑल्सो टाइटन्स द पोर ऑफ योर स्किन एंड ऑल्सो रिलैक्सेस योर माइंड एंड हाइड्रेट योर स्किन. अगर आपकी स्किन पे कोई भी रैशेज है तो आपके स्किन के रैशेज को ये रिलैक्स कराएगा और आपकी स्किन में कोई भी इरिटेशन होती है तो इरिटेशन को भी कम कर देगा. कहीं कहीं पर ये क्वेश्चन होता है कि कैन वी ड्रिंक वेटिवर वॉटर. ऑफकोर्स आप पी सकते हैं, मैंने कभी अपने से प्रैक्टिकली ये चीज ट्राई नहीं की है कि मतलब वेटिवर वाटर पी सकते हैं या नहीं, बट हाँ मैंने पढ़ा है कि वेटिवर वाटर पिया जा सकता है. खसखस की जो घास होती है उसकी जड़ों को लाके आप एक पॉट में उसको रात भर पानी में रखिए और फिर उस पानी को पीजिए. वो पानी आपकी स्किन को बहुत फायदा करेगा. अगर आप पीना चाहते हैं तो यू कैन ड्रिंक इट, बट मैंने कभी इस चीज को प्रैक्टिकली ट्राई नहीं किया तो आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट. बट आप ट्राई जरूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो. अब बात आती है कि हम लोग वेटिवर वॉटर को यूज कैसे कर सकते हैं. तो वेटिवर वॉटर एज अ फेशियल और अ बॉडी मिस्ट यूज किया जाता है. इसके बाद आप फेस पैक में इसको डाल के यूज कर सकते हैं. अगर सैंडलवुड का फेस पैक बनाएं और उसमें अगर आप वेटिवर वॉटर डाल के उसको यूज करेंगे तो इट विल रियली मैजिक फॉर योर स्किन.
वेटिवर वाटर जो होता है हॉट वेदर में आपको काफी रिलैक्स फील कराता है आपकी स्किन को. जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनके लिए ये हॉट वेदर में बहुत ही अच्छा होता है. इट इज अ वेरी गुड एक्सफोलिएटर एज वेल एज इट हैज अ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इन इट. वेटिवर वाटर जो है मैं सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स यूज कर रही हूँ. अगर मैं आपको अपना एक कोई भी फोटो दिखाऊं तो उसमें लास्ट 2-3 मंथ जब मैं मेरी प्रेगनेंसी के बाद मेरी स्किन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो देखने लायक भी नहीं थी. बट मैंने कुछ रिसर्च किया और कुछ प्रोडक्ट मैंने रेगुलरली यूज किए और मेरा एक नाइट टाइम रूटीन जो था मैंने वो फॉलो किया. मेरी स्किन दोबारा से वैसी हो गई जैसे पहले थी. आई विल शो यू माय फोटो. मैं आपको जरूर अपनी फोटो यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी तो आप वो देखिएगा उस टाइम का फोटो मेरा कितना खराब है. आज से 6 महीने पहले का फोटो है. और इट जब आप इसको अपने फेस पे लगाते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट ही आपकी स्किन को देता है. और ऑयली स्किन के लोग जो होते हैं अगर वो ठंडी चीजें अपने फेस पे यूज करते हैं ना तो उनको बहुत फायदा करती है. इसके अलावा ये इट रिलैक्सेस योर माइंड ऑल्सो. जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ मैं उसके बाद वेटिवर वाटर जरूर यूज करती हूँ बिकॉज अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है और ये मेरी स्किन को काफी सूट करता है. और शायद मैं इसको कभी छोड़ूंगी भी नहीं. मे बी मैं कोई दूसरा फेशियल मिस्ट में यूज कर लूँ यूज करके देखने के लिए. बट इट विल बी माई फेवरेट. वेटिवर वाटर विल बी माई फेवरेट टोनर फॉर माई स्किन. और मैं आपको एक बात बताऊं मेरे हस्बैंड ने भी ये यूज करना शुरू कर दिया है और वो रेगुलरली इसको यूज करते हैं नाइट में जब वो रात में जब अपना वो फेस वॉश करते हैं तो वो भी इसको लगाते हैं. जनरली मैं इसको कभी भी अपने फेस पैक में बहुत कम डाल पाती हूँ बिकॉज ये बहुत कॉस्टली आता है तो फेस पैक में हमेशा डाल पाना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो इसीलिए मैं एज अ टोनर ही इसको यूज करती हूँ और ये मेरा फेवरेट टोनर है अभी तक का. इसके अलावा पहले मैं प्लम यूज करती थी. प्लम वॉज ऑल्सो गुड टोनर बट ये वाला मेरा फेवरेट टोनर है. तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइस. मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा. और वेटिवर वाटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो प्लीज शेयर योर पर्सनल एक्सपीरियंस इन दैट कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स. एंड आई विल मीट यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना ना भूलें बिकॉज ऑल अगर आप प्रेस करें बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल ऑप्शन आप चूज करते हैं तो उसमें मेरे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे.